तो गाइज़ ये है कॉफ़ी बीटर जो आपने ऑनलाइन इसके बहुत अच्छे रिव्यू देखे होंगे, तो आज मैं यहाँ पर आपको इसका रिव्यू देने जा रही हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, ये मैंने पास के स्टोर से ख़रीदा है और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। और अगर आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो आपको ये 130, 120 या फिर 150 के समथिंग भी मिल सकता है। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपको ये एक ढक्कन सा ये कैप दिया होता है, इसको आपको ओपन करना होता है और ये बहुत इजीली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो सेल डलते हैं और सेल डालते वक्त आपको सिर्फ एक कन्फ्यूज़न होगी जो हमें भी हुई थी। सेल को आपको जो मीडियम साइज़ के सेल होते हैं वो डालने हैं और जो सेल है वो एक उल्टा और एक सीधा डालना है। देखिए आप इस तरीके से स्किन एक इधर और एक इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही सेल एक साइड से ही डाल रहे थे और हमें बड़ी दिक्कत होती, हमें लग रहा था कि ये जो बीटर है ये ख़राब है। और बस इसको इस कैप को हम लगा लेंगे, सिंपल है, यहाँ पर रखा और इसको इस तरीके से क्लिक कर दिया और बस अब आपकी जो कॉफ़ी है रेड बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। तो मैंने यहाँ पर एक मग में कॉफ़ी डाल ली थी और चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है। तो आप इस तरीके से बस आपको ये जो एक बटन है इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो ये कॉफ़ी बीटर है ये चलने लग जाएगा बटन दबा दी। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ये बीटर को रखा और हम इसको चलाएंगे इस तरीके से। तो ये जो बीटर है हम चला रहे हैं और हमारी जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो पहले तो मैं मिक्सी जार में इसको बीट करती थी, मेरे पास छोटी सी मिक्सी जार भी है उसमें भी अच्छे से हो जाता है, पर मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करा जाए तो इसका भी एक रिव्यू बनाया जाए। तो मैं यहाँ पर इसको बीट करके देख रही हूँ कि कितना टाइम लगता है और कितने मिनट लगते हैं, कितना टाइम लगता है इसको बीट करने में। तो यहाँ पर इसकी झाग बनते जा रहे हैं और इसको हम बीट करेंगे इस तरीके से और इसको घुमा घुमा के हम बीट करते हैं तो अच्छे से ये बीट हो जाता है। तो मुझे ये बीट करते हुए इसको 1 मिनट हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से बीट भी हो रहा है और इसमें अच्छे से झाग भी हो रहे हैं और ये थोड़ी सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है, काफ़ी पहले पतली थी अभी थोड़ा सा थिक हो गया है, मोटा हो गया है, तो जिस तरीके से मिक्सी जार में होता है। तो गाइस 2 मिनट इसको बीट करने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि इसका रिव्यू कैसा रहता है। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से बीट हो चुका है, जैसे कि हम मिक्सी जार में करते हैं तो वही बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बेस्ट है, बट मैंने ये भी ट्राई किया तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बीट हो चुका है, बट अभी चीनी मेल्ट नहीं हुई है। और अगर मैं आपको इसका रिव्यू दूँ तो इसमें मैं आपको 10 में 7 मार्क्स दूँगी, क्योंकि मिक्सी में पीसने से काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है। बट ये भी अच्छा है क्योंकि अगर आपके हस्बैंड अचानक से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आए हैं, जैसे कि वो ऑफिस का वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, आप एक फटाफट से कॉफ़ी बना के दे सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप कॉफ़ी बनने रख दीजिए और फिर उसको गैस पे गर्म करते करते इसको बीट कर लीजिए तो भी कॉफ़ी अच्छे से बन जाती है, पहले मैंने वैसे ही बनाई थी। तो ये बीटर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जैसे कि जल्दी में आपको कोई कॉफ़ी बनानी है कैपेचिनो वाली तो ये बन सकती है। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।